Gaming never die because you watching best gaming channel in the world, Andro World. ओके सो हे एंड्रो आर्मी, तो कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी अच्छे हो गए और आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है क्योंकि मैं फाइनली यहाँ पे लेके आ गया हूँ माय राइस चैप्टर नंबर 7। तो भाई पुरानी यादें ताज़ा करते हुए मैं बता दूँ कि चैप्टर नंबर 6 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि इसके अंदर हमने फाइट की थी एक मुर्गे से। एक्चुअली ये तो वो मुर्गा नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि वो मुर्गा था हम्बर्टो कार्लियो, जिसको मैंने हराया था मास्क मैच में, और उसके बाद में उसे भाई मुर्गे वाला मास्क पहन के घूमना पड़ा था पूरे चैप्टर नंबर 6 में। तो दोस्तों यार आज का चैप्टर भी बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है, तो बस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि जब भी वीडियो आए अच्छी वाली शानदार वाली तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो भाई यहाँ पे एक्चुअली मुझे बंदा मिल गया है ड्रू गुलाक, और ड्रू गुलाक क्या कह रहे हैं बात करते हैं इसके बारे में। तो भाई हमारे गुल्लू भैया कह रहे हैं कि भाई आपको स्मैकडाउन में काफ़ी अच्छी सफलताएँ मिली है, बट मैंने देखी है कुछ कमियाँ हैं आपके अंदर जिसे मेरी एडवाइस मेरी ट्रेनिंग ठीक कर सकती है। अगर आप उस कमियों पे काम नहीं करोगे तो आप एक अच्छे एक सफल सुपरस्टार कभी नहीं बन पाओगे। तो अगर आपको चाहिए भाई साहब सक्सेस तो गुल्लू भैया के साथ जुड़ जाओ, मतलब कि ड्रू गुलाक के साथ हमें जुड़ना होगा और वो पूछने वाले हैं कि क्या आप मुझे अपना टीचर स्वीकार करते हो। तो मुझे लगता है कि ठीक है कर लेना चाहिए, क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो भाई हमने अपने पूरे सच्चे मन से गुल्लू भैया को अपना टीचर मान लिया है और इनका आदेश है कि जाओ और रिडल का खोपड़ी तोड़ साले। तो भाई जैसे कि हमें हमारे श्री 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 1008 बार गुल्लू टीचर का ऑर्डर मिला था कि जाके भाई का खोपड़ा फोड़ देने का है, तो रिडल का खोपड़ा फोड़ने में आ गया हूँ और रिडल की धुनाई हमने स्टार्ट कर दिया है। तो भाई मैंने अपने टीचर की बात मान ली है और भाई पूरे तरीके से धो रहा हूँ भाई इसको, बट ये कभी भी रिवर्स कर देता है और उसके बाद में थोड़ी धुनाई मेरी भी हो जाती है, बट यही कमियों को हम दूर करेंगे। ड्रू गुलाक भाई साहब हमको बताने वाले हैं, हमारे टीचर हमें बताने वाले हैं कि भाई कैसे आप अपनी कमियों को दूर करके एक सक्सेसफुल WWE सुपरस्टार बन जाओगे, और मैंने भाई धूल चढ़ा दी है छोटे सपोले यानी कि रिडल को। तो दोस्तों फाइनली है भाई रिडल को हराने के बाद में हम वापस आ गए अपने टीचर गुल्लू भैया के पास में, और भाई साहब आप कह रहे हैं कि हाँ भाई मैंने देखा तुम्हारा मैच जो रिडल के साथ हुआ, तुमने क्या किया वो सब कुछ मैंने देखा, और मैं अब तुम्हें कुछ नया चैलेंज देने वाला हूँ, कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें ठीक करना है। तो मैंने कहा भाई क्या चीज़ है यार, और कौन सी चीज़ है जो बच गई है? तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है बता देते हैं, और बताया उन्होंने कि आपको एक सबमिशन मैच में लड़ना होगा और उस मैच में तुम्हें ना पिन करना है ना डिस्क्वालिफिकेशन, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें सबमिट करवाना है सामने वाले सुपरस्टार को। तो एक सबमिशन मैच में डाल दिया है हमें, और ये एक चैलेंज भी कह सकते हैं आप कि ड्रू भैया का चैलेंज है कि जाओ और सबमिशन मैच में हराओ अगले सुपरस्टार को, ना जाने कौन सा सुपरस्टार आने वाला है ये भी देखना पड़ेगा। और भाई ये तो मेरे पीछे पीछे आ गया, अब तो फीलिंग आ रही है भाई रोमन रेंस वाली, पीछे पॉल एवन जैसा ड्रू भैया आ रहे हैं। The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring, accompanied by Drew Gulak from Mumbai, India, weighing in at 269 pounds, Mr. B. अरे यार कौन आ रहा है यार, बहुत टाइम लगा रहा है यार, भाई जल्दी आना यार। तो भाई यार यहाँ पे मेरा अपोनेंट वो निकला जिसे मैंने सोचा नहीं था, यानी कि सिज़ारो। तो भाई सिज़ारो से मेरा फाइट होने वाला है, और भाई ये भी एक सबमिशन स्पेशलिस्ट है, यानी कि भाई काफ़ी सारे सबमिशन मूव्स ये भी जानता है बंदा। तो और भाई क्या करूँ यार, बहुत ही टफ चैलेंज दिया है, बट ठीक है हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने टीचर को निराश ना करें। और यार सिर्फ इसीलिए भाई मैंने यहाँ ना स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा अटैक्स पे करना स्टार्ट कर दिए हैं, और गुल्लू भैया काफ़ी ज़्यादा खुश है, सॉरी भाई हमारे टीचर काफ़ी ज़्यादा खुश है, बट जब जब हमें मार पड़ती है तो थोड़ा दुखी भी हो जाते हैं। मैं तो डर गई,
तो फ्रेंड्स यार चूंकि ये एक सबमिशन मैच है और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मिस्टर बी सबमिशन मूव का यूज ना करे, तो भाई मैंने सबसे पहले सबमिशन लगाया था स्टॉकलू मास्टर को, वो था स्लीपर होल्ड। पर ना जाने कैसे बट ये उससे भी बच गया। हालांकि ये बच तो गया बट उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद मेरा बैंड बजा। क्यों कैसे और कैसे यानी कि वो तो अब आप देख लो, उसने मुझे हेलीकॉप्टर बना दिया भाई। इतना घुमाया कि आज तक के मिस्टर बी को चक्कर आ रहे हैं। तो चलो यार भाई मैं मान गया कि भाई इसने मुझे हेलीकॉप्टर बनाया, बट भाई हेलीकॉप्टर देने के बाद में तुरंत ही शॉप शूटर लगा दिया। बट भाई गॉड टू माय पीस यार, जो भैया बीच में आए और मुझे बचाया, बट उसके बाद मेरा माता खजक गया और भाई मैंने दिया एक शानदार स्पीयर और उसके बाद भाई पंचेस और उसके बाद एक शानदार चॉक स्लैम और इसके बाद सबको बताया भाई क्या आने वाला था, वो था भाई मेरा शानदार सा सबमिशन। और जिसके बाद में ये टकलू भैया भाई कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ इनके पास में एक ही चीज़ थी और वो थी टैप आउट करना। तो भाई टैप आउट कर दिया और इसके साथ में जीत हुई हमारी और भाई सबमिशन मैच का जो चैलेंज है मैं इस तरह से जीत गया। If you're getting a victory like that, you got to be feeling pretty good about yourself. Oh man, guys, the Swiss Superman just met his mortal weakness. तो दोस्तों यार बहुत ही ज्यादा शानदार जीत के बाद में भाई मैं वापस गया और मैंने फिर से मिला अपने टीचर मिस्टर गुल्लू यानी कि ड्रू गिलैक से। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तुम्हारा स्मैकडाउन पर सबमिशन मैच देखा जो कि काफी अच्छा था, बट अभी और भी चीज़ें हैं जो सुधार में हैं और इस बार एक कुछ नया चैलेंज हमारे लिए लेके आ गए भाई साहब। और वो चैलेंज ये है कि भाई हमें एक मैच लड़ना होगा जिसके अंदर हम रिवर्स नहीं कर सकते। जी आपने सही सुना, यानी कि भाई मैं अपना बचाव ही नहीं कर सकता, सामने वाला भाई कितना भी पीट दे, बस अपने को अपना जो रिवर्स मूव है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, यानी कि बस आप समझ गए होंगे कि रिवर्स यूज़ नहीं करना है। तो भाई यहाँ पे इस मैच को मैं कैसे जीतूँगा, मैं खुद थोड़ा सा शॉक हूँ कि यार अगर मैं रिवर्स नहीं करूँगा तो मैं जीतूँगा कैसे, क्योंकि सामने वाला बंदा तो भाई रिवर्स करेगा ही और साथ ही साथ मुझ पर अटैक करेगा तो मैं क्या करूँगा। बट ठीक है, देखते हैं क्या होता है और अपोनेंट कौन है। सबसे पहले तो ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है, अगर भाई ऐसा अपोनेंट मिल गया जो सबसे ज़्यादा रिवर्स करता है तो थोड़ा प्रॉब्लम में मैं आ सकता हूँ। तो दोस्तों आज चैलेंज तो काफ़ी ज़्यादा टफ दिया है, बट यहाँ पे अपोनेंट कौन होने वाले हैं और यहाँ पे भाई साहब देखते, ओके ये तो लूचा हाउस पार्टी वाले बंदे लोग हैं भाई, तो बंदा तो अभी एक ही है यानी कि। तो यहाँ पे लूचा हाउस पार्टी से भाई आ चुके हैं लिंसन डोराडो और इनके साथ मैच है और मुझे जितना पता है कि भाई साहब ये हाई फ्लायर बहुत ज़्यादा रिवर्स करते हैं। अब देखते हैं भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता हूँ अगर इसने बंदे ने रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया तो बस फटाफट से मैच स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई साहब ये क्या करते हैं। तो भाई मैं तो स्टार्टिंग से ही भाई मैच में भाई अपनी पकड़ बनाने वाला हूँ और मुझे यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ मैच को जीतना है कैसे भी करके और रिवर्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो मैंने स्टार्टिंग से बताया डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया है, जर्मन सुप्लेक्स वगैरह दे के भाई थोड़ा बंदे को डैमेज कर देता हूँ और जहाँ तक कि जितना हो सके मैं उसको स्टट करने की कोशिश करूँगा। अगर भाई स्टट हो जाएगा तो भाई मेरे मूव्स को रिवर्स नहीं कर पाएगा। तो दो जर्मन सुप्लेक्स के बाद में भाई साहब आप देख सकते हो कि भाई थोड़ा सा और बचा है, बस हो गया आपस। अरे यार थोड़ा और बचाए, शायद एक दो मूव और देने के बाद में स्टार्ट हो जाएगा। अरे यार अभी भी नहीं हुआ, यानी कि भाई कितने बार मारूँ यार। ओ फाइनली हुआ भाई, फाइनली एज स्टाइल वाले मूव्स के बाद में हो चुका है ये स्टार्ट। जिस तरह से भाई मेरी अभी मैच में अभी तक की जितनी भी परफॉर्मेंस है उसको देख के भाई मेरे टीचर मिस्टर गुल्लू भाई काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं भाई अपना जो डोमिनेंस है वो एकदम जारी रख रहा हूँ, थोड़ा बॉबी लैशली बनने की कोशिश कर रहा हूँ और बस अटैक पर अटैक करना है और भाई जैसे तैसे भाई बंदे को बस डैमेज करना है और एक फिनिशर देके मैच को ख़त्म करना है। आई होप ये भाई किकआउट ना करे, तो बस यही कहना है। और भाई काउंट बहुत जल्दी कर रहा है यार टकलू भाई, 6 काउंट कर दिया इसने, जल्दी से रिंग के अंदर जाना चाहिए लगता है, पर अभी मन कहाँ मानता है भाई। सोचा थोड़ा बहुत और डैमेज कर ही लेते हैं क्योंकि अभी अंदर जाने के लिए अभी 3 काउंट और बचे हुए हैं, बट बंदा यार नहीं मानने वाला है टकलू मास्टर। चलो ठीक है रिंग के अंदर चलते हैं। तो भाई 9 काउंट पे हम दोनों अंदर आ गए हैं, बट अब मैच को ख़त्म करते हैं। स्विचिंग म्यूज़िक दे रहा हूँ मैं भाई, बस कनेक्ट हो जाए एक बार भाई, प्लीज़ हो जाए।
बहुत शानदार भाई, बाई कनेक्ट हो गई, बस साला बंदा अभी बस स्टार्ट नहीं हुआ। चल ठीक है, लैग ड्रॉप के बाद तो हो ही जा रहा था और मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये कुछ कर पाएगा। एक स्पीयर देके मैच खत्म करे या भाई फिनिशर दे, चलो चॉकस्लेम देके ख़त्म करता है। चलिए बेटे हो गया तुम्हारा काम तमाम, तो भाई चल टकलू जल्दी आ जा, फटफट पिन कर दे बस भाई, किक आउट ना करे। अरे नहीं करा यार। अच्छा चलो ठीक है भाई, ये तो अपनी खुशी की बात है, यानी कि रिवर्स मैच को बड़ी आसानी से जीता। मुझे लग रहा था कि भाई मैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आने वाला हूँ इस मैच के अंदर, बट नहीं आया और फाइनली मैं इस मैच को जीत गया हूँ। चल बेटा अनाउंसर फट से अनाउंस कर दे, एक्चुअली कर चुका है। तो भाई यार बार बार इस बंदे की शक्ल देखनी पड़ रही है, एक्चुअली मैंने इन्हें अपना टीचर माना है, तो भाई साहब माननी पड़ेगी टीचर की बात है। यानी कि ड्रू क्लार्क फिर से कुछ नया लेके आ गए हैं भाई, बोल रहे हैं कि भाई और भी चीज़ें जिन्हें अभी फिक्स करना बाकी है, और उसमें से आती एक चीज़ जो है NFZ। बंदा भाई नए नए टाइप के भाई मेरे लिए बहुत ही अलग अलग टाइप के भाई चैलेंज लेके आ रहा है, जैसे कि भाई सबमिशन, उसके बाद में उन्होंने लाया था भाई क्या कहा था वो नो रिवर्सल वाला, उसके बाद में भाई बस बंदे पे अटैक करवा दिया, रिडल को फालतू भाई पिटवा दिया, और अब लेके आया NFZ यानी कि नो फ्लाई जोन। यानी कि भाई अब जो मैच मैं लड़ने वाला हूँ उस मैच के अंदर मुझे एक भी स्प्रिंग बोर्ड अटैक या फिर डाइविंग अटैक नहीं करना है, मुझे नॉर्मल सा मैच लड़ना है और उस मैच में जीतना है। यानी कि एक भी भाई उड़ी मारने वाले जो मूव्स है वो बिल्कुल भी नहीं करना है, तो सारा सिंपल मैच है। बट ठीक है मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि भाई मैं कई बार ऐसे टाइप के मूव कर लेता हूँ जैसे डाइविंग मूव्स या स्प्रिंग बोर्ड वाले मूव्स कर लेता हूँ, काफ़ी मज़ा आता है एक्चुअली वाले मूव्स करने में, बट अब वो इस मैच में नहीं कर सकते क्योंकि हमारे टीचर यानी कि ड्रू भैया यानी कि गुल्लू भैया का ऑर्डर है कि भाई ये चैलेंज है और तू अपने आप पर कितना कंट्रोल रख सकता है, तो भाई साहब कंट्रोल पूरा रखना है। और यहाँ पे मैच भी होने वाला है नाइजीरियन जिसका नाम है अपोलो क्रूज, और अपोलो के साथ में मैच लड़ना है। खुद अपोलो इतना एथलेटिक है और ये तो साला करेगा ज़रूर स्प्रिंग बोर्ड मूव्स, बट मैं नहीं कर सकता, शायद ये भी नहीं कर पाएगा। चल देखते भाई मैच में क्या होता है, कितने मूव ये करता है कितने नहीं करता है, क्योंकि यार भाई मुझे पता ही है कि भाई ये एक NFZ यानी कि नो फ्लाइंग जोन मैच है जिसके अंदर मुझे एक भी स्प्रिंग बोर्ड अटैक नहीं करना है। तो भाई मैच के स्टार्टिंग में भाई साहब मैंने सोचा था कि थोड़ा भाई मैं अपना डोमिनेंस दिखाऊंगा, बट ये बंदा भाई छोटी डेरी मिल्क ये भाई जरा भी हम पे थोड़ा भी भाई रहम नहीं कर रहा है भाई, एकदम बस अटैक पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। बट मैं भी आज को छोड़ने नहीं वाला हूँ, देखो फिर रिवर्स, यानी कि भाई इस बंदे ने पूरे इस मैच भर मुझ पर रिवर्सल यूज़ किए, मेरी भाई बहुत धुनाई करी। हाँ मुझे पता है कि ये एक लेजेंडरी लेवल का मैच है, एक्चुअली मैच लेजेंडरी लेवल का नहीं है, जो डिफ़िकल्टी है वो लेजेंडरी है, बट मैं भी कहाँ मानने वाला था, एक डाइविंग अटैक तो मैंने तो भी कर दिया। एक्चुअली ये इसको हम नो फ्लाई जोन वैसे नहीं मानेंगे क्योंकि ये एक कोई स्प्रिंग बोर्ड अटैक नहीं है, तो यहाँ पे ये जो याला मूव है ये चलेगा, यानी कि ये मूव चलेगा, यानी कि हमने यहाँ पे किसी भी तरह का रोप्स का यूज़ तो किया नहीं था, तो ये मूव चलेगा। और मैंने भाई थोड़े बहुत अटैक मैंने भी किया, ऐसा नहीं कि भाई उसे ही मौका दिया, थोड़े अटैक्स मैंने भी किए भाई, मैंने भी थोड़े मज़े लिए और थोड़े बहुत अटैक मैंने भी किए, बट ये बंदे ने काफ़ी रिवर्स किए। और भाई साहब देखो मेरे अंदर कभी कोई बात आ जाती थी तो मैं भाई स्प्रिंग बोर्ड मूव्स कर लेता हूँ, बट फिर भी क्या पता कैसे पर ये बच गया, और अच्छा हुआ भाई ये बच गया, अगर ये नहीं बचता ना तो भाई ये मैच मुझे फिर से लड़ना पड़ता, यानी कि मेरी तो हार हो ही जानी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी डोमिनेट इसने मुझे किया, एक्चुअली मैं ज़्यादा करता हूँ बट इस मैच में इसने काफ़ी ज़्यादा किया था मुझे। बट अब जब मैंने स्टार्टिंग करी भाई इसकी धुनाई, तो मुझे पता था कि भाई मेरे पास फिनिशर आ चुका है, तो भाई मैं तो कॉर्नर गया स्पीयर देने के लिए और बंदा खड़ा भी हुआ था, बट इसके बाद में भाई साहब स्पीयर उसको कनेक्ट ही नहीं हुआ क्या पता क्यों। तो चलिए मैंने सोचा यार भाई स्पीयर नहीं हुई तो मैंने इसी का फिनिशर दे दिया, यानी कि एंगल स्लैम जैसा मूव था वो मैंने इसको दे दिया, मैंने सोचा भाई पिन हो जाएगा, बट बंदा तो भी निकल गया। तो भाई इस डेरी मिल्क को मैंने सस्ती समझा था बट ये ख़तरनाक वाली निकली, और भाई इसने इसके ही फिनिशर को मैंने कहा जैसे कि भाई किक आउट कर दिया, उसके बाद मेरे स्पीयर पे भी बच गया, बट उसके बाद इसने मुझे एक मूव देने की कोशिश की जो इसकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई, जिसके बाद इसे मिला एक शानदार स्टनर, और फिर तो आपको पता था कि क्या होने वाला है, 1-2 और लास्ट 3, जिसके बाद में तेरा भाई जीत गया भाई, और इस चैलेंज में भी हमने बता दिया
कि मिस्टर बी किसी से कम नहीं। और भाई साहब सबमिशन मैच, उसके बाद में NFZ यानी कि नो फ्लाइंग जोन मैच, और साथ ही साथ हमने सभी को हरा दिया हर एक मैच में, और हर एक तरह के क्या कहोगे भाई, जितने भी चैलेंज है सब में हम जीते हैं। और हमने हमारे गुरु यानी कि हमारे टीचर का नाम भाई रोशन कर दिया है। तो दोस्तों जैसे कि मैं भाई एक बार और कह रहा हूँ कि भाई मैं अपने टीचर की काफ़ी ज़्यादा इज्जत करता हूँ। और अभी ये क्या कह रहा है, पागल हो गया है क्या भाई? आई हैव सम बैड न्यूज भाई। ये कह रहा है कि भाई तू मेरे पार्टनर प्रोग्राम के सारे टेस्ट में फेल हो गया क्या? ये पागल हो गया भाई? भाई मैंने हर एक टेस्ट को सही किया है और मैंने हर एक चीज़ सही की, यानी कि भाई सबमिशन मैच को जीता, मैंने सब कुछ ठीक किया है, और मैं भाई पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका हूँ। मैंने कहा इसे, ओ एक मिनट, ओके ये इसका लास्ट टेस्ट था, यानी कि भाई हमें कंफ्यूज करना चाह रहा था, बट हम उस टेस्ट में पास हो गए। हमने कहा कि हम मैं भाई पहले से काफ़ी बेटर हूँ, और जब से मैंने यानी कि जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और अभी मैं मुझमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, मैं काफ़ी बेटर एक सुपरस्टार बन चुका हूँ। और उसने कहा कि भाई हाँ हाँ मैं तुम्हारा भाई एक टेस्ट ले रहा था कि तुम अभी क्या सोचते हो अपने बारे में। तो भाई उस टेस्ट में भी हम फाइनली पास हो गए। एक्चुअली मैं खुद सरप्राइज हो गया था भाई ये ऐसा क्यों कह रहा है। बट अब इसने कहा कि भाई हमारा नेक्स्ट मैच है और ये मेरी टीम में आ गया, यानी कि अब हम टैग टीम बन के भाई फाइट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो भाई कि अब हम टैग टीम बन गए हैं एक टाइप से, और हमारा मैच भी भाई हमारे पुराने दुश्मनों के साथ में होने वाला है, यानी कि छोटा सा पोलर रिडल और भाई नाइजेरियन मैन, यानी कि अपने क्या नाम है इनका, अपोलो क्रूज, भाई नाम भूल जाता हूँ मैं, डेयरी मिल्क छोटे वाले। तो भाई मैच जैसे स्टार्ट हुआ था ना, एक्चुअली मैंने भाई पूरी कोशिश की थी कि इस रिडल को भाई अच्छे से धोऊंगा, बट ये बंदा भाई मुझ पर ही अटैक करने लगा और काफ़ी शानदार तरीके से इसने मेरी धुनाई करी थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, बट ऐसा नहीं हुआ कि भाई हमने हमारी बस धुनाई जो हुई, हमने पूरे मैच में भाई डोमिनेट भी किया, एक शानदार वाला हमने सुपर प्लेक्स देने की कोशिश की थी रूडल को, और भाई वो कनेक्ट भी हो गया, क्योंकि मुझे काफ़ी मज़ा आता है इस टाइप के सुपर प्लेक्स देने में। और इसके बाद में मेरे टीचर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए होंगे आई होप, इनकी शक्ल देख के तो समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं चाहूँगा कि भाई इस मैच को मैं अकेला ही संभालूँ, इसीलिए भाई मैं दोनों बंदों की धुनाई कर रहा हूँ एक्चुअली, यानी कि मेरी भी दोनों बंदे मिलकर मेरी भी धुनाई कर रहे हैं। बट ठीक है भाई, पर मैंने भी जैसे ही रिडल को देखा तो भाई छोटे सा बोलू की याद आई, तो भाई एक शानदार सा भाई पंट किक दिया, बट उसके बाद में स्पीयर देने की कोशिश की, तुमको तो पता है भाई ये हमेशा बच जाता छोटा डेयरी मिल्क, बट सुपर किक से कहाँ बचना था, सॉरी स्वेट चिन म्यूजिक बेइज्जती कर दिया सुपर किक बोल के। स्वेट चिन म्यूजिक देने के बाद में जब मेरे शानदार स्पीयर आया ना, तो उसके बाद में ये बंदा कुछ भी नहीं कर पाया। और रिडल की रही बात, तो भाई कुछ नहीं, एक चाटे में बाहर फेंका था मैंने उसको, एक्चुअली एक चाटे में तो नहीं बट एक शानदार वाली इंजिग्यूरी में उसको मैंने बाहर फेंक दिया था, और बंदा ऐसे स्टड हो गया। रैंडी ऑर्टन के अलावा क्या होगा यार इसका, चलो ठीक है स्मैकडाउन में रोमन तो देख ही लेगा इसको, बट यहाँ पे आप देखिए कि भाई मैंने आराम से इसको पिन करा और इसके साथ में हमारी शानदार जीत हो गई थी। और मेरे जो भाई साहब हमारे जो टीचर है काफ़ी ज़्यादा खुश हो, ये तेरी अबे ये क्या कर रहा है भाई, ये पागल हो गया क्या, मुझ पर अटैक कर दिया भाई, अपने स्टूडेंट पर अटैक कर दिया, बड़ा हरामी हो बेटा भाई, ये टीचर नहीं है, टीचर के नाम पर धब्बा है बे तेरी, इसको भाई छोड़ने नहीं वाले हम लोग, सही बता रहा हूँ मैं, अगर मुझे मैच चाहिए इसके साथ में, और एडम पियर्स भाई पक्का मेरा मैच दो इसके साथ में। ड्रू, यू ट्रेन्ड विद योर पार्टनर फॉर वीक्स एंड फाइनली टीम टुगेदर टुनाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट देन फॉर सम रीजन यू अटैक्ड हिम आफ्टर द मैच, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? आईड बी हैप्पी टू, यू सी व्हेन वी वर ट्रेनिंग टुगेदर एवरीथिंग वाज सो इजी फॉर हिम, ओके? No matter what test or challenge I threw at him, he passed with flying colors. And the whole time he had this attitude about it, almost like he was doing me the favor instead of the other way around. And then, when we finally teamed together, he just had to get the win, right? It was his way of trying to one-up me, because he thinks he's so great. Well, I've got news for him. He's not, and I'll prove it. Because he thought he passed all the tests, well, he didn't. I'm the final test, and this time, he's going to fail. So, you're challenging him to a match? Yes, but not just any match. I want to see if he actually learned anything. So I'm proposing a match with no shortcuts allowed, which means no running, no escaping the ring, and no top rope moves. Now we'll find out who's got holes in their game and who doesn't.
भाई कहते हैं यार कि एक अच्छा टीचर ही एक अच्छा स्टूडेंट बनाता है, बट यहाँ पे इस टीचर ने, यानी कि भाई अब तो मैं टीचर भी नहीं कहने वाला हूँ, साले गुल्लू ने भाई मुझ पे अटैक कर दिया और उसके बाद में ऊपर से मुझे चैलेंज भी कर दिया फाइट के लिए। और भाई हमारे एक्स टीचर ने कहा है कि भाई साहब ये आपका फाइनल टेस्ट होने वाला है, क्या तुम मुझे हरा सकते हो। और भाई साहब इन्होंने ये भी कहा है कि इस मैच के अंदर आप ना ही कोई रनिंग मूव्स कर सकते हो, ना ही आप कोई टॉप रूम मूव कर सकते हो, और ना ही आप रिंग के बाहर जा सकते हो। तो यानी कि भाई इसके ही रूल्स चल रहे हैं अलग ही, बस हमको तो भाई इस मैच को जीतना है। और भाई मेरा तो मेन टारगेट ये है कि इस बंदे को रिंग के अंदर इतने बुरी तरह से धोना है, क्योंकि भाई इसने हमें धोखा दिया है यार। भाई पूरे मैच भर यानी कि इतनी सारी ट्रेनिंग इसने हमारे साथ में करी और हमने काफ़ी विश्वास किया भाई इसके, यानी कि इसके ऊपर, और इस काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग भी हुई और मैंने सारे जो टेस्ट हैं सारे चैलेंज मैंने एक्सेप्ट करे, साथ ही साथ मैंने भाई उन चैलेंज में भाई जीत भी दर्ज की, सारे के सारे मैचेस जीते। और उसके बाद उसने भाई क्या किया, टैग टीम में मुझ पर ही अटैक कर दिया, यानी कि मैच जीतने के बाद में मुझ पर ही अटैक कर दिया। बट हम उसका बदला लेने यहाँ पर आ चुके हैं, इस रिंग के अंदर में हम लेंगे भाई साहब बदला। तो भाई इसको तो भाई मैं मिस्टर टीचर तो नहीं बट मिस्टर चीटर ज़रूर कहूँगा। और भाई मिस्टर चीटर यानी कि गुल्लू भैया आ चुके हैं और स्टार्टिंग में मैच में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे चैलेंज देके रखे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मैं रनिंग अटैक नहीं कर सकता, ना ही मैं कोई टॉप रूम मूव कर सकता हूँ, और ना ही मैं रिंग के बाहर स्केप कर सकता हूँ, बस मुझे इस मैच को जीतना है पिनफॉल या सबमिशन से। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले तो इस पे अटैक्स करना है, काफ़ी सारे अटैक करना है। और यहाँ पे देख लो यार कि इन्होंने बताया कि भाई अभी आपको डैमेज करना है जुगला को, तो भाई काफ़ी सारे अटैक्स यहाँ पे करने होंगे। तो भाई साहब चलो ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अटैक करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा और इसे डैमेज करता हूँ। दोस्तों यार अभी तक जितने भी मैचेस लड़े उसमें एक में भी ऑब्जेक्टिव नहीं थे, बट यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट कंप्लीट करना है। और अब ये बोल रहा है कि भाई जुगला को रिंग के अंदर, और ये क्या है भाई, ये तो अटैक करना स्टार्ट कर दिया। एक मिनट, अबे ये तो बहुत बड़ा चीटर निकला भाई। मैंने जैसे इसका आपको कहा था कि भाई ये मिस्टर टीचर नहीं बट मिस्टर चीटर है, और भाई अपने पूरी चीटिंग्स दिखा रहा है। और देखो भाई ये टॉप रूम मूव भी कर रहा है, जबकि इस मैच में ये बैन है, ये मूव करना बैन है, टॉप रूम मूव्स को करना बैन है, और रिंग के बाहर भेजना भी बैन था। और अगर कोई आपको इस तरह से करेगा तो भाई आप मैच में हार सकते हो, यानी कि डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। बट ये हर एक मूव का यूज़ कर रहा है, देखो उसने स्टील स्टेप्स का यूज़ किया, साथ ही साथ मुझे रिंग के बाहर फेंका, उसके बाद में रनिंग मूव्स का और साथ ही साथ टॉप रूप मूव्स का भी यूज़ किया, जो कि इस मैच में अलाउड नहीं है। और भाई इसने सब कुछ जब किया जब रेफरी रिंग के बाहर था, यानी कि भाई बहुत बड़ा चीटर है यार ये टीचर नहीं, सही में चीटर है भाई। मैच अभी तक यहाँ पे भी नहीं रुकने वाला था, इसने मुझे बाद में फिनिशर दिया, यानी कि भाई फिनिशर देने के बाद भी बंदा देख लो, यानी कि भाई फिनिशर दे दिया था, मुझे लगा था कहीं मैं टैप आउट ना कर दूँ, एक्चुअली ज़्यादा डैमेज नहीं था बट फिर भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि भाई साहब बस पहुंच ही गया था इन्होंने, यानी कि भाई पूरा रेड तो कर ही दिया था। बट फाइनली मैं वापस से भाई मैंने अपनी भाई कैसे भी करके भाई बचा, मैं यानी कि सबमिशन मूव से बचा और मैंने वापस उसे सबमिशन दिया, यानी कि उसने मुझे फिनिशर वाला सबमिशन दिया था बट मैंने इसे नॉर्मली स्लीपर होल्ड दिया, बट बंदा उससे भी बच गया। बट फाइनली मुझे समझ आया कि भाई सबमिशन में काम नहीं होने वाला, इसलिए मैं गया स्विच इन म्यूज़िक के लिए जिसको मैंने दिया, और उसके बाद मैंने कोशिश करी थी कि भाई मैं इसको एक फिनिशर दे देता हूँ, यानी कि एक स्टनर लगा देता हूँ, बट बंदा उसमें भी बच गया। यानी कि भैया टीचर टीचर ही होता है, भले वो चीटर क्यों ना हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। जी हाँ दोस्तों यार ये बहुत सही बात है, क्योंकि भाई इसने अपने पूरे रंग दिखा दिए भाई, गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया इस टीचर ने। और भाई आपको पता है कितने सारे मूव्स भाई मैंने इसको दिए, सबमिशन मूव्स दिए, साथ ही साथ भाई स्विच इन म्यूजिक भी दिया, बंदा तो भी बज गया। उसके बाद में मेरा फिनिशर में देने गया था बट बंदा फिर बज गया, यानी कि भाई कौन सा ऐसा मूव है जिसको मैं और दूँ, और अबे ये इतने नॉर्मल मूव में भाई पिन हो गया भाई। आज तो सही में भाई किसी ने सोची ना होगी कि यानी कि बंदा भाई स्विच इन म्यूजिक सबमिशन मूव खा के बचने के बाद में एक इस टाइप के मूव से पिन हो गया। बट फाइनली भाई मैंने अपना बदला ले लिया और मैंने अपने चीटर टीचर को भाई साहब हरा दिया और अपना बदला ले लिया है। तो भाई फाइनली हमने इस मैच में जीत दर्ज की है और इसी के साथ में चैप्टर नंबर 7 भी एंड होता है। प्लीज़ दोस्तों जाने के पहले ज़रूर 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि सबसे पहले जब भी हमारी शानदार वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और क्या कहूँ भाई, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं भानु महाले मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, जय हिंद।